The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is it? It's basically your body's immune system protects you from diseases and infections. Or basically, if you have autoimmune disease, तो आप ही की immune system, आप ही के healthy cells को by mistake attack करेगी, और autoimmune disease can affect any part or many part of your body, any and many, थोड़े भी और ज़्यादा भी, right? And no one is sure कि ये क्यों होता है, but बहुत सारे लोगों को tendency है, females को, right? कुछ country के लोगों को उनको ज़्यादा रिस्क होता है और 80 से ज़्यादा प्रकार है ऑटोइम्यून डिजीज़ के और उसमें अगर आपको होती है तो कुछ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है उसका डिजीज़ उसमें कमज़ोरी फीवर मसल एक बहुत सारी चीज़ें हो सकती है क्लासिकल साइन है इन्फ्लामेशन होगा कहीं भी कोई ऑर्गन डैमेज होगा तो रेडनेस हीट इन्फ्लामेशन पेन स्वेलिंग ये होगा वहाँ जहाँ पर होगा उस ऑर्गन का चाहे बोन हो चाहे जॉइंट हो चाहे व्हाटएवर इट इज़ एंड अगर डिजीज़ फ्लेयर अप होती है बीच बीच में डाउन होती है दैट इज़ व्हाट हैपन्स अगर वो वर्स होती जाती है कभी कभी तो दवाइयाँ हैवी लेनी पड़ती है स्टीरॉयड भी लेना पड़ता है कई बार राइट और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए जब कम हो जाती है देन वी कैन गो ऑन मेंटेनेंस मेडिकेशंस राइट डिसअपियर हो सकती है लेकिन वापस भी आ सकती है ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज़ डिपेंड्स अपॉन कहाँ हो रहा है जॉइंट में हो रहा है हार्ट में हो रहा है सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्लस इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करने वाला ट्रीटमेंट चलता है ऑटोइम्यून डिजीज़ में सो टेस्ट में इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलर्जीज़ का टेस्ट नहीं इन्फ्लामेशन का टेस्ट होता है CBC, ESR, CRPs और वो बड़े आते हैं तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए ऑटो एंटीबॉडीज़ टेस्ट होता है कॉम्प्लीमेंट टेस्ट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट होता है और ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए टेस्ट कर सकते हैं फार्माकोजेनेटिक टेस्ट होते हैं और सम इम्यून प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है तो ये सारे टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट तो फिर हम डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन डिजीज टू डिजीज़ तो ये हुआ इन शॉर्ट ऑटोइम्यून डिजीज़ राइट